गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जीनेटिक्स इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन बी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन इसमें हम जाइंट क्रोमोसोम्स को आज स्टडी करेंगे इससे पहले ही क्लासेज में हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं आज हम देखेंगे जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जाइंट और पोलिटीन क्रोमोसोम पॉलिटिन क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज जाइंट क्रोमोसोम पॉलिटिन क्रोमोसोम्स जाइंट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं वर डिस्कवर्ड बाय बालबेनी इन 1881 इन वन इन ग्लैंड्स ऑफ कायरोनोमस कायोनोमस लार्वा के स्लबरी ग्लैंड्स में 1881 में बालबेनी ने पॉलिटिन क्रोमोसोम्स को देखा जो जाइंट क्रोमोसोम थे इसलिए इन्होंने इनका नाम पॉलिटिन क्रोमोसोम दिया पॉलिटिन क्रोमोसोम्स आर स्पेशलाइज इंटरफेज क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सर्टेन इंसेक्शन पॉलिटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज इंटरफेज क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इंसेक्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सेल्स विद पॉलिटिन क्रोमोसोम डिफर फ्रॉम माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स जो पॉलिटीन क्रोमोसोम्स होते हैं ये डिफर होते हैं माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स से दीज सेल्स अंडर गो रिपीटेड राउंड ऑफ डी एन विदाउट सेल डिजन ये जो सेल्स हैं ये रिपीटेड इनमें में डीएनए एड होता है कोई सेल डिवीजन नहीं होता दिस इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस एंडो माइटोसिस ये एंडो माइटोसिस कहलाता है मींस जो सेल्स होती हैं पॉलिटीन क्रोमोसोम्स की ये माइटोटिकली डिवाइड्स होती हैं ये इनमें माइटोट डिवीजन होता है ये रिपीटेड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इनमें डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है रिपीटेड राउंड होते हैं कई बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है जबकि सेल डिवीजन नहीं होता ये कहलाता है एंडोमाइटोसिस बोथ बैंड्स एंड इंटरबैंड्स इन पॉलिटिन क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स जो बैंड्स हैं और इंटरबैंडस हैं पॉलिटिन क्रोमोसोम्स में इनमें जीन्स होते हैं एंड एक्सपेंड टू गिव ऑफ बालबीन रिंग्स और इनमें पफ्स होते हैं ये पफ्स को देती हैं जो बाल्बनी रिंग्स कहलाती हैं पफ्स के समान स्ट्रक्चर इनसे निकलती है एक्सपेंड होती है दैट इज कॉल्ड बाल्बनी रिंग्स द पफ्स आर साइड वेयर आर एन एज जो पफ के समान स्ट्रक्चर होती है ये यहाँ पर साइड्स होती हैं जहाँ आर एन ए का सिंथेसिस होता है देखिए ये दिखाई दे रहा है क्रोमोसोमल पफ दिखाई दे रहे हैं डार्क बैंड और इंटरबैंड दिखाई दे रही हैं यहाँ हमने जैसा कि बताया पफ के समान स्ट्रक्चर होती है आप देखिए बो इंटरबैंड्स इन पॉलिथिन क्रोमोसोम कंटेन एक्सपैंड गिव ऑफ पफ्स बाल्बनी रिंग्स दीज पफ साइट ऑफ आर एन सिंथेसिस सिंथेसिक्स ये देखिए क्रोमोसोमल पफ्स दिखाई दे रहे हैं बैंड और इंटरबैंड दिखाई दे रहे हैं डार्क बैंड है और बीच में लाइट कलर के इंटरबैंड है और ये बाल्बनी रिंग्स हैंम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पॉलिथीन क्रोमोसोम्स होते हैं और लैम ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं अब लेम ब्रश क्रोमोसोम्स क्या होते हैं लेम ब्रश क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग इन 1882 इन एम्फीबियन ओसाइट्स पॉलिटीन क्रोमोसोम्स को बालबिन ने देखा था और लैम ब्रश क्रोमोसोम्स को 1882 में फ्लेमिंग ने देखा था एम्फीबियन ओसाइट्स में सबसे पहले देखा गया था इट डेवलप्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ये इनका डेवलपमेंट कब होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज ड्यूरिंग ऊजनेसिस इन ओ ऑफ मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सेप्ट मैमल्स जब म्योटिक डिवीजन होता है म्योटिक डिवीजन में ऊजनेसिस के समय डिप्लोटीन स्टेज होती है जो प्रोफेज स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती हैं उनकी सब हैं डिप्लोटीन का स्टेज होती है इसमें ऊ में मैनी एनिमल स्पीसीज में ये देखा गया है द लेमब्रश क्रोमोसोम्स आर म्यूटिक बायलेंट ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ सिस्टरक्रोमेटिड्स हेल्ट टूगेदर बाय केएज मेटर जो लेम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं आर म्यूटिक बायलेंट ये म्यूटिक बायलेंट होते हैं और हरेक में दो पेयर ऑफ सिस्टरक्रोमेटिक्स के होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं बाय की एजमेटा जो दो पेयर हैं वो साथ रहते हैं की एजमेटा के थ्रू लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर मीनड टू तो असिस्ट इन फुलफिलिंग द हाई डिमांड फॉर ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग ओजनेसिस जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं इनका ये असिस्ट करते हैं डिमांड को फुलफिल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के समय जब ओजनेसिस के समय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उस समय हाई डिमांड होती है ये हाई डिमांड को असिस्ट करने का काम करते हैं लेमब्रश क्रोमोसोम्स द लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इन लेम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक् प्रोटीन दैट कंटेन नेसेंट आर एन ए जो लेटरल एक्सटेंशंस हैं लेमब्रश क्रोमोसोम्स में ये सराउंडेड होते हैं मैट्रिक्स से जो लेटरल एक्सटेंशन हो जाते हैं इनके ऊपर एक मैट्रिक्स कवरिंग आ जाती है सराउंडेड बाई मेट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन दैट कंटेन नेसेंट आर एन ए चेंस जिनमें नेसेंट आर एन ए चेंस भी होती हैं यहाँ हम लेम ब्रश क्रोमोसोम का डायग्राम देखते हैं देखिए डायग्राम क्लियर देखिए पेयर्ड लेम ब्रश क्रोमोसोम्स अपर साइड में दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे होते हैं रीजन ऑफ सिंगल क्रोमोसोम यह रीजन है सिंगल क्रोमोसोम्स का यहाँ लूफ फॉर्मेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स और ये मिडिल में एक्सेस दिखाई दे रही है अब जैसा कि आपको बताया था अभी स्मॉल रीजन ऑफ क्रोमोसोम शोइंग सिस्टर क्रोमेटिड्स ये स्मॉल रीजन है क्रोमोसोम्स का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स को शो कर रहा है क्रोमेटिन जॉइनिंग एडजेंस एडजेंट क्रोमोसोम ये देखिए आप जॉइनिंग दिखाई दे रही है क्रोमोमियर फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली कंडेंस क्रोमोटिन और जो हाईली कंडेंस क्रोमोटिन है यहाँ क्रोमोमियर का फॉर्मेशन हो रहा है एक्सटेंड क्रोमेटिन लूप और ये क्रोमेटिन लूप है जो कि एक्सटेंड हो रहा है लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अगेन हम देखते हैं तो लेम क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जेक्ट बाय फ्लेमिंग इन एम्फिबियन ऊसाइड लैम क्रोमोसोम को सबसे पहले फ्लेमिंग ने एम्फीबियन उसाइड में देखा था ये डेवलप्स होते हैं डिप्लोपिटीन स्टेज जो म्यूटिक डिवीजन है उसमें डिप्लोटीन स्टेज में जब ऊ जिनेसिसिस होता है और बहुत सारे एनिमल्स में ऊसाइड का फॉर्मेशन होता है उस समय ये डेवलप होते हैं लेम क्रोमोसोम म्यूटिक बाइवेलेंट होते हैं हर एक में दो पेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स के होते हैं जो कि की एजमेटा के साथ रखते हैं आप देखिए दो पेयर दिखाई दे रहे हैं हर एक में दो पेयर होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के डायग्राम में आप देखिए दो पेयर दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में वन बाय वन ऊपर आप देखिए पेयर्ड लेमब्रश क्रोमोसोम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं लेम्ब्रेश क्रोमोसोम्स आर मीट ऑफ एसिस फुलफिलिंग द हाई डिमांड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग उजनेसिस ये ट्रांसक्रिप्शन के समय जो हाई डिमांड होती है उस समय ये इसको फुलफिल करने का काम करते हैं द लिटल एक्सटेंशन इन लेम्ब्रश क्रोमोम क्रोमोसोम्स आर सराउंडेड बाय मैट्रिक्स और जो लेटरल एक्सटेंशन होते हैं उनमें जो निकल जाते हैं ये राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ये नेसेंट आर एन ए बनाने का काम करते हैं आप देखिए लेटरल एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक्सटेंडेड क्रोमेटन लूप्स ये दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में तो आज हमने पढ़ा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स या जाइंट क्रोमोसोम जिनको किसने डिस्कवर किया प्लस इनका कैसे फॉर्मेशन होता है देन पोलिटिन क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोमल पफ्स बैंड्स, इंटरबैंड्स को पढ़ा देन लेम क्रोमोसोम किसने डिस्कस किया कैसे इनका फॉर्मेशन होता है देन लेम क्रोमोसोम्स में किस तरीके से क्रोमोमियल्स होते हैं क्रोमेट्स होते हैं और कैसे इनका जो दोनों साइड में ये पेयर्ड साइड में रहते हैं और इनमें कैसे क्रोमेटिन लूप बनते हैं तो ये हमने स्टडी किया थैंक यू